हेलो गाइस, टेके वे के कोने वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 7 सीरीज के बारे में। गाइस, दो तीन दिन पहले ही रेनो 7 सीरीज की लॉन्च डेट अनाउंस हो चुके हैं। 25 नवंबर को ये सीरीज चाइना में लॉन्च की जा रही है और पहले की तरह इस बार भी इस सीरीज में 3 ही स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। बट प्रो प्लस वाला वेरियंट जो चाइना और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया जाता था, उसे कहा जा रहा है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इस बार इस सीरीज में ओप्पो रेनो 7 एसी, रेनो 7 एंड रेनो 7 प्रो, ये 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। कुछ दिनों पहले 91 मोबाइल की तरफ से एक रिपोर्ट सामने निकल के आए थे, उसके अकॉर्डिंग जनवरी के मंथ में रेनो 7 सीरीज इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में रेनो 7 सीरीज के 2 स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 7 एंड रेनो 7 प्रो में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया जा सकता है और इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च किया जा सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रेनो 7 एसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो इन दोनों फोन के लाइव इमेज सामने निकल के आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, देख सकते हैं। डिजाइन और लुक्स वाइज तो दोनों फोन काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और रेनो 7 सीरीज की जो पहचान होती है वो होती है इसका डिजाइन और इसका कैमरा। और इस सीरीज के साथ भी ओप्पो ने काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट प्रो वाला जो मॉडल है उसका डिजाइन तो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, फ्रंट एंड बैक पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया है। और इस बार इन दोनों फोन को 3 कलर में ही लॉन्च किए जाने वाले हैं। दोनों फोन पहले की तरह इस बार भी ग्लास बैक के साथ ही आएगा। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें कि 3 कैमरा सेंसर, 1 एलईडी फ्लैश लाइट होगी। और प्रो वाले मॉडल में इस बार कैमरा हाउसिंग के अंदर रेक्टेंगल शेप में काफी बड़ा सा नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिलेगा, जो कि फोन को और भी ज्यादा कूल बना देती है। दोनों फोन में फ्रेम मेटल का ही होगा और फ्रंट की तरफ ग्लास देखने को मिलेगा, जहां पे 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा। पंच होल डिस्प्ले होगा, FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगा, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो में ही डिस्प्ले मिलेगा। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, DCI-P3 कलर गैमिट का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर 6 का प्रोटेक्शन भी इन दोनों फोन के डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोनों फोन काफी गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पेक्स वाइज इन दोनों फोन में डिस्प्ले भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूं कि 2-3 जनरेशन से रेनो सीरीज में मैक्सिमम 90 हर्ट्ज का ही फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कम से कम 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलना चाहिए था। कैमरे के बारे में बात करें तो इन दोनों फोन के रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंसर ओप्पो रेनो 7 में 64 मेगापिक्सल का देखने को जाएगा, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होगा। वहीं ओप्पो रेनो 7 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, ये भी वाइड एंगल सेंसर होंगे, बट इसमें सोनी का IMX766 का सेंसर देखने को मिलेगा। सेकेंडरी थर्ड सेंसर के बारे में बात करें तो दोनों फोन में सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा और थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल के होंगे, जो कि एक मैक्रो सेंसर होंगे। फ्रंट की तरफ दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और ये सोनी का न्यूली लॉन्च सेंसर होगा, सोनी का IMX709 सेंसर होगा। मैंने पहले बताया कि रेनो सीरीज की पहचान इसका डिजाइन एंड इसका कैमरा होता है और इस बार भी मुझे लगता है कैमरा काफी अच्छा होने वाला है। एक चीज क्लियर कर देता हूं, ओप्पो रेनो 6 एंड ओप्पो रेनो 7 का कैमरा सेटअप सिमिलर ही है, बट प्रोसेसर चेंज होने की वजह से इसमें आपको बेटर IS या फिर बेटर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से रेनो 6 से फोटोग्राफी इसकी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। दोनों फोन के कैमरे में आपको अलग अलग तरह के कई सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम इन दोनों फोन के रियर कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओप्पो रेनो 7 में 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है और 7 प्रो में 30 एंड 60fps दोनों पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इन दोनों फोन के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इन दोनों फोन में 4500 mAh की एक डिसेंट बैटरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओप्पो रेनो 7 में 60 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं ओप्पो रेनो 7 प्रो में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों फोन में टाइप सी पोर्ट, NFC, डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और सेंसर के बारे में बात करें तो दोनों फोन में सभी के सभी सेंसर भी देखने को मिलेंगे। लिक्स के अकॉर्डिंग 8GB, 128GB एंड 8GB, 256GB के सिर्फ 2 वेरिएंट में ओप्पो रेनो 7 को लॉन्च किया जाएगा और ओप्पो रेनो 7 प्रो को 8GB, 128GB, 8GB, 256GB एंड 12GB, 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही आएगा, कलर OS 12 के ऊपर रन करेगा।
तो चलिए गाइस जब लास्ट में बात करते हैं इन दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 7 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक बजट फ्लैगशिप कैटेगरी का चिपसेट है, काफी पावरफुल चिपसेट है। 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है, तो ये काफी एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब इस फोन में एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, हीटिंग का इश्यूज कम देखने को मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जिसमें एडिनो 642 LGPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डे टू डे लाइफ का सारा काम बिना कोई प्रॉब्लम आराम से हैंडल करके दे देगा और सभी तरह के गेमिंग भी अच्छे से हैंडल कर लेता है, तो फोन में परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे LPDDR4X रैम UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के ऊपर और भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छी मिल जाएगी। वहीं अगर ओप्पो रेनो 7 प्रो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन वाला ही चिपसेट देखने को मिलेगा, वही मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट देखने को जाएगा, फ्लैगशिप कैटेगरी का चिपसेट है, काफी पावरफुल चिपसेट है, 3 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये भी चिपसेट बना है, तो एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी इस फोन में भी काफी अच्छी मिल जाएगी। वहीं गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो यहां पे RMali G77 MC4 GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह की गेमिंग बिना कोई प्रॉब्लम आसानी से हैंडल कर लेता है, तो इसमें भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा और ये फोन LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा, तो रीड एंड राइट स्पीड इसमें भी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो गाइस कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ ओप्पो रेनो 7 एंड रेनो 7 प्रो को चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर सकती है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में, तो प्राइस को लेकर कोई भी लीक्स या फिर रूमर्स सामने निकल के नहीं आया, ना ही ओप्पो की तरफ से कुछ भी अभी कंफर्म किया गया है, बट मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग ओप्पो रेनो 7 की प्राइस चाइना में 25,000 to 30,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है, जो इसका बेस वेरिएंट होगा उसे। वहीं ओप्पो रेनो 7 प्रो के बारे में बात करें, तो इसकी प्राइस चाइना में 30,000 to 35,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है, इससे अधिक मुझे नहीं लगता लॉन्च किया जाएगा। रीजन ये है कि अगर आप इसके प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा चेंज किया गया है, तो प्राइस वही होनी चाहिए। और इसकी इंडिया प्राइस के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है वही सेम प्राइस इंडिया में भी रखी जाएगी। और 25 नवंबर को ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो ही रहा है, तो 2-3 दिन बचे हुए हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हाँ इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।